1 मिनट खरीद है। अच्छा साजिद भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो नया ड्राइवर आता है उसका जो आपके पास वीजा प्रोसेस और उसका परमिट मिनिमम कितने दिनों में हो जाता है? लाइक शकील भाई, ऐसा है कि सिस्टम हमारे पास जो अगर किसी का वीजा हम अप्लाई करते हैं हमारे पास 10 to 15 days मैक्सिमम, विद इन 10 days के अंदर हम वीजा निकाल के ड्राइवर्स को दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रांस हम अप्लाई करते हैं, ट्रांस का जो प्रोसेस है अगर कोई नया बंदा है तो विदिन 1 week के अंदर उसका हम ट्रांस की प्रोफाइल क्रिएट करके सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने के बाद उसका ट्रांस का टेस्ट भी बुक कर देते हैं। उसके जगह पे अगर कोई ओल्ड बंदा है जिसका ऑलरेडी ट्रांस बना हुआ है उसका विदिन 1 day सेम डे के अंदर उसका हम ट्रांस कार्ड अप्लाई कर देते हैं, नेक्स्ट डे इट मीन्स के टोटल 2 दिन के अंदर अंदर इसका ट्रांस कार्ड बन के आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास कार का जो गाड़ी का प्रोसेस होता है, कौन सी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, लग्जरी गाड़ी या मतलब नॉर्मल? ओके, इसमें सकील भाई ऐसा है कि गाड़ी का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है, ड्राइवर अगर रेडी है, ठीक है, अगर ड्राइवर रेडी है, उसके पास वीजा है लिमोजिन का, उसके पास ट्रांस कार्ड बना हुआ है, तो विद इन 30 days के अंदर हम उसको गाड़ी निकाल के दे देते हैं। इन केस अगर गाड़ी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लाइक शोरूम के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिले होता है। डिले इट मींस के उसमें 90 डेज का टाइम ड्यूरेशन होता है, होता लेकिन है। अगर मार्केट में गाड़ियां अवेलेबल हैं तो इजीली हम विद इन 30 डेज के अंदर गाड़ी ऑन रोड ला करके ड्राइवर्स को दे देते हैं, साथ ही साथ यूबर कैब भी प्रोवाइड करते हैं। एक और सवाल है कि अगर ड्राइवर जो फ्रेश आ रहा है जिसका वीजा का प्रोसेस भी है और ये परमिट भी है, किसी इशू की वजह से मसलन वो हो जाता है, डिले हो जाता है, अगर किसी के ड्राइवर की गाड़ी आ जाती है तो उसका क्या सीन है कि वो इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी? एक्चुअली हमारे पास ऐसा सीन है कि हमारे पास कितने ड्राइवर हैं जो वेट करते रहते हैं, या हमारे पास सेकंड ड्राइवर भी हैं, ठीक है, वो उसकी गाड़ी चाहे तो जो ऑनर है वो अपनी गाड़ी चाहे तो उस ड्राइवर को दे सकता है, वो उस पर वर्क करना सेम डे में गाड़ी लेने के बाद स्टार्ट कर सकता है। सो मीन्स आपके कहने का मतलब ये है कि अगर वो वीजे का प्रोसेस और ये गाड़ी का ये टोटल प्रोसेस आपका 3 महीने का है, 3 महीने का है तकरीबन, 3 महीने 90 डेज लगते हैं। अगर गाड़ी मार्केट में नहीं है तो अगर गाड़ी अवेलेबल है तो लेस देन 3 पहले भी हम कर देते हैं। हाँ, इससे पहले भी आपको रेडी कर देंगे, आपका वीजा ट्रांस गाड़ी ईच एंड एवरीथिंग हम क्लियर कर देंगे। वेरी गुड। किसी किस्म की भी गाड़ी लेना चाहिए, लग्जरी गाड़ी, ट्रांस में अप्रूव होनी चाहिए, जो भी ट्रांस में अप्रूव। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, थैंक यू सो मच। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपके पास लिमोजिन के रिलेटेड किसी किस्म के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।